हेलो फैमिली, तो कैसे आप सभी लोग आए हो? बहुत ही अच्छे होंगे, मन के सच्चे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो खेलेंगे हम बॉडी टच चैलेंज पर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इसमें करना क्या होता है। नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूँ कि एक बंदे की आंखों पे बंधी होगी पट्टी। हमारा बजट कम है तो हम रुमाल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और दूसरा बंदा अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट, जैसे फिंगर हो गया, जहाँ टंग हो गया, जहाँ ईयर हो गया, कुछ भी हो गया ना, उसको टच करवाएगा और सामने वाले बंदे को जिसके पट्टी बंधी होगी उसको गैस करना है। अगर गैस कर लिया तो 1 पॉइंट, अगर ना कर पाया तो ठेंगा। ऐसे होता है, ऐसे लगा लो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पहले कौन पट्टी बांधेगा आंखों पे? मैं बांधता हूँ यार। चलो मानी तो मेरी जाती है, तो करते हैं गेम को। मैं बांध देती हूँ। मैं खुद बांधूंगी। मैं चीटिंग नहीं करता। चीटिंग खुद करी थी पिछले चैलेंज में, आपने गाइस देखा ही होगा। देखा था गाइस विस्पर चैलेंज में। ईयरफोन लगाना। हाँ चलो, नहीं दिख रहा मेरी माँ कुछ। कहाँ है तू? कोशिश फिंगर दो। दोबारा ये वाली चीज है। कौन सी वाली चीज? नहीं, दोबारा करना। चलो दो टाइम्स, ठीक है। एक बार और। क्या है? चल क्या है ये? बस बार बार ही टच करने को मिलेगा। पेट है ये। अगर सही था तो कमेंट करो जस्टिस फॉर जतिन। पागल हो क्या? ये और यहाँ पे मैंने ये बोला, मैंने कहा ये वाली साइड है पूरी, ये और यहाँ पे बहुत वो होता है, फर्क होता है। चल ठीक है, ओके। नाक में डालने की कोशिश मत कर। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? करो। नहीं, टच ढंग से कराओ ना। टच पूरा नहीं ना, वही पार्ट गेस करना है। ये फिंगर की ये साइड, ये नहीं। पकड़ना नहीं है, लास्ट चांस है यार। प्लीज आराम से यार ये सर, ये क्या? ये पक्का? हाँ पक्का पक्का, ये पक्का। हाँ पक्का, चलो ठीक है, ओके। क्या ये था? नहीं यार, क्या करते हो ये? ऐसे ऊपर ऊपर से ना हो यार, ना ये चीटिंग है। ऐसे नहीं था कि आप ऊपर से, फिर तो मैं भी आपको ऊपर ऊपर से ले जाऊँ। नहीं यार, प्रॉपरली टच कराना होता है। प्रॉपरली कराया मैंने, ऐसे ऐसे आप मेरे को प्रॉपरली ऐसा कराओ ना। ऐसा क्यों कराऊं? रोने लग गई। यार चीटिंग करते हैं, बहुत चीटिंग है यार। बस मैंने तो एक गांठ बांधी थी तेरे, तो मैं भी वैसे ही करूँगा। साफ करोगे? दो फिंगर दो। मत कर रहे ना, कोई डाल। दोबारा एक बार और, एक बार और, दोबारा। ये यही है ना? हाँ, मैं प्रॉपरली टच कराती हूँ आपको पूरा, और आपको इतना सा छोटे इतना सा टच कराते हो, ये चीटिंग होती है। ढंग से प्रॉपरली टच कराओ। मेरा एक पॉइंट हो गया। हाँ। चल आगे, हारने के लिए तैयार रह। चल टच कराना, ऐसे नहीं करना होता। ये लोग हार गए तो आप मेरे को शॉपिंग कराएंगे? ओहो, कराऊं शॉपिंग? हार गया तो चल। कितना डाइट बांधा इस बार, तो कुछ दिख भी नहीं रहा। क्या है? नाक में डाल रही हूँ मेरी फिंगर। छी। अच्छा दोबारा कर। अच्छा नहीं डाल रहा, मैं नहीं पॉइंट और नहीं, मैंने मस्ती में डाली थी। चल चल यार, क्यों होता है ना? हो गया, चल यार, और चल 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 यार। लो मैं बांध, लो हो गया ना प्रॉब्लम। ऐसे कैसे हो गया? दिख रहा है तेरे को सारा? आपके किस्म को नहीं दिख रहा। लो मेरी फिंगर नाक में डालने की कोशिश की ना, नाखूनों से ना। नहीं डाल रहा, कहाँ टच कर रहे हैं इसको? करा दो जल्दी। ऐसे रखनी है फिंगर? ओके, ये
ये चीज नहीं, ये चीज है नहीं, नहीं गलत है, गुगु झूठ मत बोलो, गलत है कसम से मेरी, हाँ नहीं है ये, नहीं है ये, ये लो टमू टमी 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 देखो मतलब कैसे पता लगा तेरा, मेरे टच हो गया यहाँ पे ऐसे, नहीं टच, मेरी उंगल, मेरे को पता है कि टमी है देख लिया होगा तू क्या है यार, नहीं देखा नहीं देखा, एक एक पॉइंट हो चुका है, वैसे मेरी दो हो गए थे ना, मेरे साथ चीटिंग करी थी ना इसलिए, चल चल एक एक पॉइंट देखते हैं कौन जीतता है, फैमिली मैं जीतूंगा, और अगर मैं जीता तो इसको मेरे को शॉपिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है ना, ये है यार कौन सी, आगे पीछे नीचे ऊपर, क्या आगे पीछे, बस ये वाली साइड कहीं भी हो सकता है, ये है इतना बता दिया तेरे को, कसम से नहीं दिख रहा था, पता ही लग रहा टच करके, दो एक, और अगर नीति ये गैस ना कर पाई तो फैमिली मैं जीत गया, ठीक है ना, ओके समझ गया, अगर ना कर पाई मैं जीत गया, फिर शॉपिंग करवानी पड़ेगी आपको, ठीक है, जो जीतेगा उसको शॉपिंग करानी, जो हारेगा उसको शॉपिंग करवानी पड़ेगी, लो मेरी फिंगर, रुक तो जा, जो तो पक्का बता है कि कुछ अश्लील सा ही करोगे, चुप रह, कोई चीटिंग नहीं है, पैर 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 नहीं है, गलत, एक गलत हो गया, आगे आगे ये अंगूठा, टू टू फैमिली, मुझे तो पता था कि यही हो सकता है, ओ नो, बेचारे शूज उतारे थे स्पेशली, अगर अगर अब अगर मैंने गेस कर लिया तो ये हो जाएगा, तो 3-2 हो जाएगा और फिर हम आगे करेंगे, अगर ना कर पाया तो गेम यहीं खत्म, टारगेट वो हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कौन जीतता है, क्योंकि चलो नाटी बॉय, अच्छा फिंगर तो अब आपकी आएगी, ओके इस बार ना थोड़ा सा टफ करें, दोबारा देखना नहीं, ओ नहीं दिख रहा है, दोबारा माथा है, हाँ कैसे पता चला, टच हार्ड था पता लग रहा था पहले, क्योंकि ऊपर ले गए, मेरे को यही लगा था कि कोई फेस उसका पार्ट होगा, फिर जब आपने दोबारा टच कराया ना, आप नीचे आए, आपकी बॉडी मूवमेंट पता तो लगता ही है यार, जब आपको जब मैं मूवमेंट करी नीचे, चीटिंग नहीं करी बट मैंने भी, ए हे हे 3-2 3-2 ओए होए, चलो अब अगर ये ना कर पाई गर्ल तो हार जाएगी निधि, और फिर इसको शॉपिंग करवानी पड़ेगी मेरे को, तो गाइज आज मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, इसका नाम है वाओ स्किन साइंस एलोवेरा रेंज, जैसे आपको पता है कि एलोवेरा हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, तो गाइज ये एक प्रॉपर रेंज है जिसे यूज करके आप अपनी स्किन को बहुत ज्यादा बेटर बना सकते हो, तो फैमिली इसमें सबसे पहले है वाओ स्किन साइंस एलोवेरा फॉर्मिंग फेस वॉश, इसमें प्रो विटामिन B5 है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और इसका ये ब्रश हेल्प करता है आपकी स्किन को डीप और जनरली क्लीन करने में, ये फेस वॉश हेल्प करता है आपकी स्किन को विजिबल और ब्राइट दिखने में, इसको लगाने के बाद 2-5 मिनट तक इसको रब कीजिए और इसके बाद अपने फेस को धो लीजिए और ड्राई कर लीजिए, तो फैमिली इसका सेकंड स्टेप है वाओ का एलोवेरा पील ऑफ जेल मास्क, इसको आपको थोड़ा सा लेना है और अपने फेस पे अप्लाई करना है और 15-20 मिनट तक लगा कर रखना है, तो दिस पील ऑफ मास्क हेल्प्स टू रिवील प्योरेस्ट स्किन, इट्स ईजी टू यूज, और ये हेल्प करता है डेड सेल्स और ब्लैक हेड्स निकालने में, और ये मास्क हेल्प करता है स्किन में और ज्यादा ग्लो ले आने के लिए, तो 15-20 मिनट बाद आपका मास्क जैसे ही ड्राई हो जाता है तो उसे पील ऑफ कर दीजिए और नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लीजिए, तो फैमिली नेक्स्ट स्टेप आता है वाओ का एलोवेरा मल्टी विटामिन फेस क्रीम, इसकी बेस्ट बात ये कि ये बहुत जल्दी हमारी स्किन पर अब्सॉर्ब हो जाता है और ये स्टिकी और ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है, दिस क्रीम हेल्प्स टू रिड्यूस साइंस ऑफ इचिंग एंड इम्प्रूव स्किन टोन्स, नेक्स्ट स्टेप है वाओ का एलोवेरा हाइड्रेटिंग आफ्टर सन सूदिंग जेल, इसका यूज ये है कि हमारी डिहाइड्रेट स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है।
फैमिलीज का लास्ट स्टेप है वाओ का एलोवेरा स्लीपिंग पैक। आपको करना क्या है कि रात को सोने से पहले आपको इसको अपने फेस और नेक पे अप्लाई करना है। इजी टू यूज, आपको सोने से पहले इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने फेस पे कुछ लगाया है, और ये हेल्प करता है मॉइस्चर को मेंटेन करने में। तो फैमिली वाओ के प्रोडक्ट की खास बात ये है कि ये सभी के सभी प्लांट बेस्ड होते हैं। वाओ के हर एक प्रोडक्ट पे QR कोड लगा होता है जिससे आप इसकी ऑथेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो फैमिली अगर आप वाओ के और प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इनका खुद का ऐप भी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप एलोवेरा रेंज के प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके बाय करो। क्या करवाऊं इसको टच में, हाथ पैर नाक सारा कुछ करवा रहा है। ओए ये नहीं करवा रहा मैं टच, देखो दिख रहा है ना आपके किसी गुगु नहीं दिख रहा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ बताओ तो फिर मुझे क्या पता क्या कर रहे हो पक्का। चल रे नाक में डालने की कोशिश मत करना दोबारा दोबारा। ये नेल्स टच हो रहे हैं, फिंगर नहीं हो रही, ये वाला करो। नहीं एक बार फिर से ये हाथ नीचे रखो, पूरा हाथ नहीं लगाना, फिंगर से टच करना होता है, पूरा हाथ लगाने की कोशिश करती है। एक बार ये गुगु आराम से उधर देख, उधर ही है क्या, आराम से एक एक हो गया ना आपका। नहीं हुआ, मैंने बोला ही नहीं अभी तक कुछ। ये गलत, ये बोला है ना, दोबारा बोलना। ये बाजू का कोई भी पोर्शन ऐसे नहीं होता, मैंने ऊपर वाला बोला गलत है। चल नहीं ना ऊपर वाला, चलो फिर नीचे वाला। ये यार ये क्या व्हाट इज दिस, इतना सा करके फिर वापस यार इतना यार आपका गलत है जो आपने पहले बताया। चल आगे उधर मुंह कर, गुगु मैंने बोल दिया अगर बाजू ही ना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आपने जो पार्ट बोला वो तो है ही नहीं ना बाजू, ठीक है ना। चल जल्दी बोल, मुंह उधर कर उधर ऐसे कौन करता है गलत तरीके ऐसे दबाती है यार, उधर कर जल्दी बता, हार गई यार तू, शॉपिंग करानी पड़ेगी यार। क्या ये चीज़, गुगु एक बार मैं आपको ध्यान से याद दिलाऊं कि मैंने यहां से एल्बो से आगे वाला बोला है, अगर वो हुआ ना एल्बो से पीछे वाली साइड ये बोल दी, हार गई। क्या था ये था, एक ही बात है, एल्बो से पीछे वाला बोला, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो फैमिली मैं जीत चुका हूँ फाइनली, और मैं सोच रहा हूँ तो फैमिली फाइनली मैं जीत चुका हूँ, तो हार के कैसा लग रहा है मुझे ना कुछ दिख नहीं रहा और ना कुछ सुनाई दे रहा। अच्छा ठीक है, जोर से पट्टी कौन मानता, मैंने बोला था कि एल्बो से पीछे, बाकी एक बार बता दूं फैमिली ने देख ही लिया है, ये वाला पार्ट था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।